हरे नमस्कार, आज दीपावली है और मैं आया हूँ खुशबू के यहाँ। और खुशबू, ए खुशबू, लो पराठा सब तरह का, लेकिन हाथ बचा के जलाना है ना, और मत्ती की लेकिन हाथ बचा के जलाना, ठीक है। और मन लग रहा है तुमको मम्मी के पास? हाँ। लग रहा है? हाँ। तुम्हारा एडमिशन करवा दे रहे वहाँ कस्तूरबा में, तो वहीं रहना होगा, वहीं पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ये खुशबू है और देखिए कितनी प्यारी बच्ची है, जिसको जिस्म के हैवानों ने इसको चुरा के इसकी मम्मी से ले गया था, और जन की बात के दबाव के बाद गया से इसको फिर ढूंढा गया, और तकरीबन 3 महीने के बाद प्रशासन पे जब दबाव पड़ा तो इसको लाया गया। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत आश्चर्य है, मुझे बहुत तजुब है कि कोई जनप्रतिनिधि इस पर संज्ञान नहीं लिया, ना खुशबू के गायब होने के बाद खुशबू की माँ के आंसू पोंछने आए, ना खुशबू के आने के बाद कोई आए। कोई आया था बेटा? कोई नहीं आया, विधायक विधायक कोई नहीं आया ना। तो ये हाल एक संजय जी है जो यहाँ पंचायत समिति के प्रतिनिधि हैं, और संजय जी का बहुत प्रयास रहा खुशबू को ढूंढने में। और एक बात, मतलब आप यूँ समझिए कि सारे जनप्रतिनिधियों में यहाँ विधायक हैं, बगल में सांसद अन्नपूर्णा जी हैं, यहाँ की चेयरमैन जी की अध्यक्षा जो है सो मुनिया देवी है, यहाँ के मुखिया हैं, लेकिन सिर्फ एक पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति के प्रतिनिधि संजय जी यहाँ पे आए और इनके घूमने में मदद की। आज चलिए, आज इन बातों का दिन नहीं है, आज दीपावली का दिन है, आज सभी पटाखे फोड़ें और खुशियाँ मनाएं, लेकिन सिर्फ अपने तक सिमट के ना रहें, कुछ ऐसे चेहरों पे भी रोशनी लाएं, कुछ ऐसे चेहरों पर भी मुस्कान लाएं जिसके दरकार आपको है। समाज ऐसे नहीं चलता, समाज तब चलता है जब सब मिल करके चले, अगर सब मिल करके नहीं चलेंगे तो समाज नहीं चलेगा। खुशबू का एडमिशन अब कस्तूरबा में होने वाला है, हमने जन की बात का प्रयास रहा और इनरोल्ड हो गई है, अब नए सत्र में खुशबू कस्तूरबा जाएगी और कस्तूरबा में पढ़ेगी। और खुशबू की जो सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए, मैं जन की बात प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक बाल संरक्षण पदाधिकारी हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ के पूरे सूबे में प्रत्येक जिले में बाल संरक्षण पदाधिकारी होते हैं, यहाँ जितने तू बाबू हैं, और मैंने उनसे बात कही कि अगर ऐसे शिक्षकों पे जो भुलावे पे ले जा करके ऐसे मासूम बच्चियों को अपने घर में काम के लिए ले जाते हैं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो दिवाली मेरी अधूरी रहेगी। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जन की बात ये वादा करता है कि ऐसे नापाक लोगों पे कार्रवाई अवश्य करवाऊंगा। और आपको बता दें कि खुशबू ही नहीं, ऐसी बहुत सारी खुशबू है जो गली और मोहल्ले से गायब होती है और हम जान नहीं पाते। अभी खुशबू के साथ 3 बच्चियां और थी जैसे खुशबू बता रही है, और वो 3 बच्चियों को रिकवर किया गया और 12 लोग अरेस्ट हुए। अभी बहुत सारे लोगों को अरेस्टिंग बाकी है, लेकिन ऐसे बच्चों को संरक्षण करना हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेवारी है, तभी ये दीपावली खुशियों वाली दीपावली होगी। और नहीं तो अकेले हम पटाखे चला लें, अकेले हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ मिठाई ले आएं, अकेले हम धन संग्रह कर लें, तो ये दिवाली नहीं होती, ये संतुष्टि वाली दिवाली नहीं होती। अगर सही में मायने में दिवाली हमें मनानी है तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। जन की बात की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जीवन में उजाला आए और उजाला अंदर से आए ताकि उसकी रोशनी से आपके आसपास भी उजियारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बेटा, थैंक्स।